हाँ तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग अपनी फोर्थ यूनिट पढ़ रहे हैं जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर बेस्ड है, हम लोगों ने कल ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस किया था और हमने डिटेल में देखा था कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल किस तरीके से वर्क करता है। इसको कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल हम क्यों कहते हैं और किस तरीके से ये पैकेट को, मैसेज को पैकेट में डिवाइड करता है और सीक्वेंस नंबर के अकॉर्डिंग डेस्टिनेशन एंड पे उसको रीअरेंज करता है ताकि पैकेट की सीक्वेंसिंग गड़बड़ ना हो। जैसा कि हमें पता है कि पैकेट फ्री हैं, इंडिपेंडेंट हैं किसी भी रूट से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए। मैंने फ्लैग के बारे में भी बताया था कि फ्लैग का कॉन्सेप्ट यूज करके किस तरीके से पैकेट की पहचान की जाती है कि ये पर्टिकुलर किस मैसेज के साथ बिलोंग करता है। बहरहाल, हम लोगों ने कुछ चीजें देखी थी कि टीसीपी का फीचर क्या है, कि ये प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन करता है, इसमें पोर्ट नंबर यूज होते हैं, नंबरिंग सिस्टम यूज किया जाता है, बाइट नंबर भी होता है, सीक्वेंस नंबर भी होता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर भी होता है, ये फ्लो को कंट्रोल कर सकता है, एरर को कंट्रोल कर सकता है और कंजेशन को भी कंट्रोल कर सकता है। यानी कुल मिला जुला के ये एक रिलायबल प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू हम डाटा को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हम लोगों ने यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल यानी कि यूडीपी के बारे में भी देखा और हमने ये देखा कि किस तरीके से यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल का यूज करके हम वही काम करते हैं जो टीसीपी के थ्रू हम करते हैं। लेकिन यूडीपी जो है वो आपका रिलायबल प्रोटोकॉल नहीं है, इसमें एरर कंट्रोल भी नहीं है, फ्लो कंट्रोल भी नहीं है और मोस्टली क्या है कि हम इस प्रोटोकॉल का यूज जो है वो करते इसलिए हैं, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि हम ये नहीं कह सकते कि ठीक है कि यूडीपी अगर आपका रिलायबल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर जगह पे टीसीपी का ही यूज करें, क्योंकि उसके पीछे का रीजन क्या है कि अगर हम जैसे कि अकॉर्डिंग हम जब कोई भी नेटवर्क डिजाइन करते हैं तो अपने नेटवर्क और उस पर्टिकुलर नोड के रिक्वायरमेंट ऑफ नोड्स के अकॉर्डिंग जो है हम डिवाइसेस को इम्प्लीमेंट करते हैं और हर डिवाइस में किस तरीके का प्रोटोकॉल हम वर्क कर रहा है इसको भी हम कॉन्फ़िगर करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर जहाँ पे ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं हो, कम है, पैकेट इंफॉर्मेशन पे ज़्यादा फोकस न करके स्पीड पे फोकस किया जाता है कि कितना जल्दी से जल्दी डाटा हमारा रिसीव हो सके, तो उन सब केसों में हम यूडीपी का यूज़ करते हैं। जैसा कि इसके फीचर में भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे भी प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है, पोर्ट नंबर का यूज किया जाता है, ये कनेक्शन लेस सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ये अनरिलायबल है, इसमें फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल और कंजेशन कंट्रोल ये तीनों चीजें यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल यानी कि SCTP। ठीक है ना, तो इसके बारे में बहुत ज्यादा मतलब कि अगर मतलब इसके लिए मतलब क्या है कि अगर आप ऐसे देखें कि जो स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है, जैसा कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इट कंबाइंस द फीचर ऑफ बोथ टीसीपी एंड यूडीपी, इट इज मैसेज ओरिएंटेड लाइक द यूडीपी विच प्रोवाइड द रिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज लाइक टीसीपी, इट इज यूज फॉर टेलीफोनिंग ओवर द इंटरनेट। यानी कि सिंपल वर्ड में कहें कि अगर हम स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं तो स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल जो है वो आपका सिंपल वर्ड में कहें तो कम्बिनेशन है टीसीपी का और यूडीपी का। जब भी मैसेजिंग की बात होती है तो वो यूडीपी के कॉन्सेप्ट को यूज करता है और जब वो मतलब मैसेज को ट्रांसफर करने की बात होती है तो वहां पे वो टीसीपी का यूज करता है और टेलीफोनी मतलब इंटरनेट टेलीफोन का यूज करके जो इंटरनेट हम यूज करते हैं वहां पे इसका यूज किया जाता है। तो इसमें इतना ही है कि अगर आपसे पूछा जाए कि स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल क्या होता है
तो आप लिख सकते हैं कि ये दोनों के फीचर को अडॉप्ट करता है, यानी कि टीसीपी को भी और यूडीपी को, या तो फिर हम कहें कि ये हाइब्रिड वर्जन है टीसीपी और यूडीपी का, ठीक है ना। और उन्हीं सारी चीजों को यूडीपी के भी जो की फीचर्स हैं और जो आपके टीसीपी की जो की फीचर्स हैं उनको आप इसके, अगर जैसे मान लीजिए अगर शॉर्ट आंसर में पूछता है तब तो आप ये आंसर लिख सकते हैं, लेकिन अगर इसको लॉन्ग टर्म में पूछा जाता है तो वहां पे आपको वो टीसीपी यूडीपी के कॉन्सेप्ट और फीचर्स को यहाँ पे आगे और लिख के आप अगर आप एक्सप्लेन कर देंगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। बहरहाल ये समझने के लिए था कि स्ट्रीम कंट्रोल प्रोटोकॉल जो एससीटीपी है वो किस तरीके से काम करता है, तो आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि ये टीसीपी और यूडीपी दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो दोनों के फीचर्स को ये अडॉप्ट करता है और उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क करता है, यानी ये करेक्शन ओरिएंटेड भी है और मैसेज ओरिएंटेड भी है, ठीक है ना। मैसेज ओरिएंटेड लाइक द यूडीपी एंड कनेक्शन ओरिएंटेड लाइक द टीसीपी। उसके बाद से दोस्तों अगर हम बात करें डिफरेंसेस की, जैसा कि यहाँ देखिए लिखा हुआ है डिफरेंसेस बिटवीन टीसीपी एंड यूडीपी, ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, तो टीसीपी और यूडीपी के बीच में अगर हम डिफरेंसेस की बात करें बच्चों, ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से डिफरेंसेस हैं। ये डिस्क्रिप्शन है, ये आपका आई थिंक ये आपका यूडीपी है, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे यूडीपी, और ये आपका टीसीपी है, यानी कि इस लाइन में जो है वो यूडीपी के बारे में बताया गया है और इस लाइन में जो है आपके टीसीपी के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल की, तो जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो अगर यूडीपी की बात करें तो सिंपल है, हाई स्पीड है, इसके अंदर फंक्शनैलिटी कम होती है। फंक्शनैलिटी कम होने का मतलब क्या है कि वही सारी चीजें जैसे कि ये एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल और वो सारी चीजें जो टीसीपी कर सकता है वो यूडीपी आपका नहीं कर सकता। वहीं अगर हम बात करें टीसीपी की, तो देखिए जैसा कि लिखा हुआ है फुल्ली फीचर्ड रिलायबल डाटा ट्रांसफर, यानी कि इसमें सारी जितने भी फीचर्स होते हैं मैक्सिमम इसमें रहते हैं और ये इसमें डाटा का जो ट्रांसफर है वो रिलायबल है, यानी कि हम एश्योर हो सकते हैं कि अगर डाटा ट्रांसफर हो रहा है सेंडर से डेस्टिनेशन तक तो इसके थ्रू पॉसिबिलिटीज मैक्सिमम या सबसे हाई है कि डाटा रिसीवर तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर हम यूडीपी की बात करें तो वो, चूंकि हम जानते हैं कि वो कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है, तो वहां पे हम ये कह सकते हैं कि ये एश्योरिटी नहीं है कि हमारा डाटा सही सलामत या फिर सही तरीके से डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। दूसरा, कनेक्शन सेटअप की अगर हम बात कर रहे हैं तो कनेक्शन सेटअप की बात कर रहे हैं तो जैसा कि देखें यहाँ लिखा हुआ है कि हमें पता भी है कि यूडीपी जो है हमारा कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है और टीसीपी हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। तो जैसा कि हमें पता है कि कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन लेस का मतलब क्या है, हमने पीछे भी देखा है कि मतलब कि रिलायबिलिटी नहीं होना, दैट इज कनेक्शन लेस की मतलब हम डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं लेकिन डाटा ट्रेवल करके वहां तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा ये हम एश्योरिटी नहीं दे सकते हैं। लेकिन कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या है कि यहाँ पे जब तक डाटा आपका हम यहाँ पे एश्योर हो सकते हैं कि डाटा हमारा डेस्टिनेशन तक पहुंच ही जाएगा। तीसरे की बात करें तो डाटा इंटरफेस टू अप्लाई, तो मैसेज बेस्ड डाटा सेंड, यानी यहाँ पे क्या है कि यूडीपी के अंदर जो है वो जो डाटा सेंड होता है वो मैसेज बेस्ड होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम टीसीपी की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रीम बेस्ड डाटा इज सेंड, ठीक है ना। तो मैसेज बेस्ड डाटा इज सेंड और स्ट्रीम बेस्ड डाटा इज सेंड, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो मैं बताता हूँ आपको। कि मैसेज बेस्ड जैसे क्या है कि आपका अगर हम यूडीपी की बात करें तो यूडीपी में क्या है कि पूरा का पूरा मैसेज एक पर्टिकुलर पाथ से होके डेस्टिनेशन तक जाता है, लेकिन अगर हम टीसीपी की बात करें तो टीसीपी में जैसे सिंपली मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि अगर हम यूडीपी की बात करें तो यूडीपी में देखिए जैसे ये अगर हम इसको एक मैसेज मान रहे हैं, ये हमारा एक मैसेज है, तो ये मैसेज ऐसा नहीं है, ये मैसेज अगर हमारा डेस्टिनेशन तक इसको जाना है, ठीक है ना, सपोज कीजिए ये आपका डेस्टिनेशन है और डेस्टिनेशन तक अगर आपके मैसेज को जाना है तो सिंपली क्या होगा, पहले तो आपका एक पाथ क्रिएट होगा, जैसे मान लीजिए ये नेटवर्क है आपका और यहाँ बहुत सारे राउटर्स लगे हुए हैं, तो पहले तो पाथ क्रिएट हो जाएगा और पूरा का पूरा मैसेज जो है
पूरा का पूरा होल मैसेज की मैं बात कर रहा हूँ, पूरा का पूरा जो मैसेज है वो उस पर्टिकुलर पाथ को ट्रेवल करता हुआ डेस्टिनेशन तक चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों अगर वही मैं बात करता हूँ पैकेट स्विचिंग सॉरी टीसीपी की, तो टीसीपी में क्या होता है कि सबसे पहले जिसको हम मैसेज हम इसीलिए जो कि मैं कहना ये चाहता था कि चूंकि पूरा का पूरा मैसेज एक साथ डिलीवर होता है सेंडर रिसीवर के पास, इसीलिए हम इसको मैसेज बेस्ड डाटा इज सेंट कहते हैं। लेकिन स्ट्रीम बेस्ड का मतलब क्या है कि पहले जो आपका पैकेट है मैसेज जो है वो नंबर ऑफ चंक में जिसको हम पैकेट कहते हैं उसमें आपका डिवाइड होता है, ठीक है ना। देन उसके बाद से वो अलग अलग रूट से डेस्टिनेशन तक जाता है। तो ये आपका जो डिफरेंस है यही आपका मेन डिफरेंस है आपका मैसेज बेस्ड डाटा इज सेंट और स्ट्रीम बेस्ड डाटा इज सेंट, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक सेकेंड, इसके बाद जो हमारा अगला है फोर्थ पॉइंट, दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन की बात करें तो रिलायबिलिटी की है। और जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पे ये अनरिलायबल प्रोटोकॉल है, आपका यूडीपी जो है वो अनरिलायबल प्रोटोकॉल है और जो आपका टीसीपी है वो रिलायबल प्रोटोकॉल है, जिसके बारे में हम लोगों ने पीछे भी डिस्कस किया हुआ है कि ये अनरिलायबल और ये रिलायबल क्यों है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें अगवा की अगले की यानी रिट्रांसमिशन, तो इसमें रिट्रांसमिशन परफॉर्म नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो डाटा इज लॉस रिट्रांसमिशन पॉसिबल, यानी कहने का मतलब क्या है यहाँ पे ये समझिएगा चीज को कि यूडीपी के अंदर एक कॉन्सेप्ट इक्नॉलेजमेंट का नहीं है, ठीक है ना। तो अब जैसे कहने का मतलब क्या है, हमने पैकेट को सेंड किया, सेंडर ने रिसीवर को पैकेट सेंड किया, जैसे यहाँ पे मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ, और सेंडर सेंड करने के बाद उसके पास कुछ एसीके नहीं आता है कि पैकेट डिलीवर हुआ कि नहीं हुआ, तो उस केस में यहाँ पे जो है कोई भी दोबारा से रिट्रांसमिशन नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे चूंकि टीसीपी की अगर हम बात करें तो टीसीपी में अगर डाटा सेंट हो रहा है आपका रिसीवर तक, ठीक है ना, एक सेकेंड, अगर हम यहाँ पे अगर रिट्रांसमिशन की बात करें तो आपका जो ये हमने जैसा कि बताया कि यूडीपी में रिट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे एसीके का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे इसीलिए मैंने अनरिलायबल, जहाँ यहाँ अनरिलायबल लिखा हुआ है यहाँ पे एसीके को क्रॉस किया गया है, और यहाँ पे जहाँ पे रिलायबल लिखा हुआ है वहाँ एसीके पे टिक किया गया है, ताकि ये बताने के लिए कि इसमें एक्नॉलेजमेंट नहीं है और इसमें एक्नॉलेजमेंट का प्रोसेस है। तो जैसा कि मैंने रिट्रांसमिशन की बात की, तो अगर एक बार मैसेज सेंड हुआ और उसका कुछ एक्नॉलेजमेंट आया चाहे नहीं आया, तो क्या पता कि पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ठीक है ना। तो इसलिए दोबारा से वो रिट्रांसमिशन नहीं करता है। लेकिन अगर हम टीसीपी की बात करें, अब यूडीपी में क्या है, मैसेज नहीं पहुंचा तो दोबारा से वो रिसीवर कहेगा कि भाई कोई मैसेज नहीं आया, दोबारा से सेंड करो। लेकिन अगर टीसीपी की हम बात करें तो टीसीपी में एक्चुअल में क्या है कि डाटा जो है हमारा सेंड होगा, लेकिन अगर सपोज कीजिए कि जैसा कि हमें पता है कि एक मैसेज जो है नंबर ऑफ पैकेट्स में डिवाइड होके अलग अलग रूट से डेस्टिनेशन तक जाते हैं, टीसीपी प्रोटोकॉल वहां पे सीक्वेंस नंबर के थ्रू फिर से रीअरेंज करता है, और उसके अलावा हमने थर्ड यूनिट में हमने आईसीएमपी के बारे में जब देखा था तो आईसीएमपी में कुछ मैसेजेस जनरेट होते थे, ठीक है ना। तो उस मैसेजेस को वो उसमें एक मैसेज था कि पैकेट आपका किस रीजन की वजह से लॉस हुआ, हमने देखा था दो तरीके के मैसेजेस जनरेट होते थे, एक क्वेरी मैसेजेस और एक आपका एरर रिपोर्टिंग मैसेजेस। तो किस वजह से आपका पैकेट लॉस हुआ इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। बहरहाल टीसीपी क्या करता है कि अगर पैकेट्स मान लीजिए कि नंबर ऑफ 10 पैकेट्स हैं और कोई पैकेट मिसिंग हो गया, तो उस केस में वो दोबारा से उन सारे पैकेट को क्या करता है, डिस्कार्ड कर देता है और दोबारा से एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि आपका मैसेज सेंड नहीं हुआ, जिससे कि सेंडर जो है वो दोबारा से उस मैसेज को रिट्रांसफर कर देता है। तो यही है रिट्रांसमिशन में कि यूडीपी की अगर हम बात करें तो इसमें नहीं परफॉर्म होता है रिट्रांसमिशन, लेकिन अगर हम टीसीपी की बात करें तो डाटा लॉस्ट होने के केस में दोबारा से रिट्रांसमिशन यहाँ पे पॉसिबल होता है। तीसरा अगर हम बात करें फ्लो कंट्रोल की, तो अगर हम फ्लो कंट्रोल की बात करते हैं तो यहाँ पे फ्लो कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे फ्लो कंट्रोल होता है स्लाइड विंडोज फ्लो कंट्रोल। स्लाइड विंडो प्रोटोकॉल क्या होते हैं,
इसके बारे में हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया हुआ है, स्लाइड विंडो प्रोटोकॉल किसे कहते हैं, कैसे अगर नंबर ऑफ, मैं हमने इस पे न्यूमेरिकल भी कराया था अगर आपको याद हो तो सेकेंड यूनिट में, कि अगर नंबर ऑफ 10 पैकेट्स हम ट्रांसफर कर रहे हैं और हर चौथा पैकेट लॉस हो रहा है तो गो बैक एन या गो बैक एन ए आर क्यू या गो बैक एन, बस ये दो तीन न्यूमेरिकल थे जो मैंने, जिनके ऊपर मैंने आपको कराया था कि किस तरीके से अगर पांचवा पैकेट लॉस हो रहा है तो वो नंबर ऑफ ट्रांसमिशन कितना लगेगा 10 पैकेट्स को ट्रांसफर करने के लिए। तो बहरहाल आप नॉर्मल अगर डिफरेंस की बात करें तो आप बस इतना समझ लीजिए कि ये जो आपका यूडीपी है इसमें फ्लो कंट्रोल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन आपका जो टीसीपी है यहाँ पे फ्लो कंट्रोल का कॉन्सेप्ट है। एक और कि यूडीपी में आपका एरर कंट्रोल भी नहीं होता है या एरर हैंडलिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन टीसीपी में आपका एरर हैंडलिंग का भी कॉन्सेप्ट है, तो ये भी एक डिफरेंस आपका हो जाता है। उसके बाद से बात करें ओवरहेड की, तो यहाँ पे ये वेरी लो है, ठीक है ना, और यहाँ पे है लो हायर देन यूडीपी, लो तो है लेकिन यूडीपी से अच्छा है। ट्रांसमिशन स्पीड की बात करें तो जैसा कि हम लोगों ने अभी पीछे जब टीसीपी और यूडीपी के बारे में देखा है तो टीसीपी यूडीपी में ये लिखा हुआ था कि उसमें डाटा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, लॉस हो जा रहा है, उसके ऊपर फोकस कम होता है, स्पीड के ऊपर ज्यादा फोकस होता है कि मतलब कितना तेजी से डाटा जो है वो रिसीवर तक पहुंच रहा है। तो इस केस में अगर हम देखें तो ट्रांसमिशन स्पीड की बात करें तो ट्रांसमिशन स्पीड जो है हमारी यूडीपी की मच बेटर है कंपैरिजन टू टीसीपी। तो जैसा कि देखें यहाँ पे ट्रांसमिशन स्पीड की बात करें तो यहाँ पे यूडीपी में वेरी हाई लिखा हुआ है, यहाँ पे टीसीपी में हाई लिखा है लेकिन लोअर देन यूडीपी लिखा हुआ है, क्योंकि तेजी से तो ट्रांसफर करता है लेकिन अगर कंपैरिजन टू यूडीपी की बात करें तो कहीं ना कहीं टीसीपी जो है वो यूडीपी से पीछे रहता है डाटा को ट्रांसफर करने के रेशियो में। अगर डाटा को ट्रांसफर करने की बात करें तो वहां पे कहीं ना कहीं यूडीपी जो है वो आपका यूडीपी जो है वो टीसीपी से बेटर है, ठीक है, लेकिन केवल स्पीड के मामले में बेटर है, लेकिन अगर डाटा के एक्यूरेसी एरर कंट्रोल और उन सारी चीजों को देखें तो टीसीपी बेटर है यूडीपी से, इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद से नाइन्थ पॉइंट में है प्रोटोकॉल कौन कौन से यूज होते हैं, ठीक है ना। तो प्रोटोकॉल अगर यूडीपी के अंदर हम देखें तो यहाँ पे आपका डीएनएस है, बूटस्ट्रैप है, डीएससीपी है, एसएनएमपी है, और अगर हम यहाँ पे बात करें टीसीपी के अंदर तो फाइल ट्रांसफर, टेलनेट, एसएमटीपी, डीएनएस, एसएसटीपी, ये सारे प्रोटोकॉल यहाँ पे वर्क करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये आपका एक ओवरऑल डिफरेंस था, और कहीं ना कहीं अगर आप इस डिफरेंस को अगर आप समझ रहे हैं तो आप ये आसानी से समझ सकते हैं, जैसे अगर आपको ये डिफरेंस समझ में आ रहा है तो आप ये आसानी से समझ सकते हैं कि भाई यूडीपी क्या है और टीसीपी क्या है। तो मच बेटर है कि ऊपर वाले दोनों टॉपिक के साथ अगर आप इस डिफरेंस को भी समझ जाते हैं तो आपका ऑलरेडी टीसीपी और यूडीपी दोनों प्रोटोकॉल जो है आपका तैयार हो जाएगा, और आपको पेपर में अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो भी आप आंसर दे सकते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म के क्वेश्चन आ रहे हैं तो भी आप आंसर दे सकते हैं। तो होप सो आपको ये टीसीपी यूडीपी का जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। बात करते हैं फंक्शंस और एलिमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है ना, कि फंक्शन क्या है या एलिमेंट क्या है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो आइए देखते हैं एलिमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। देखिए यहाँ पे मैंने और इसलिए लगाया है ताकि आप ये समझ सकें कि फंक्शंस, अगर ट्रांसपोर्ट लेयर के फंक्शंस के बारे में पूछता है, सॉरी, अगर ट्रांसपोर्ट लेयर के फंक्शंस के बारे में पूछता है, अगर ट्रांसपोर्ट लेयर के फंक्शंस के बारे में पूछता है तो भी आप इसी पॉइंट्स को एक्सप्लेन करोगे जो मैं अभी बताना जा रहा हूँ, या फिर अगर एलिमेंट पूछता है ट्रांसपोर्ट लेयर के तो भी आप इन्हीं सब के बारे में आप एक्सप्लेन करोगे। और कहीं ना कहीं देखिए अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है ना तो फंक्शन या एलिमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर में, तो एलिमेंट लेयर, जो एलिमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करें या फंक्शंस ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करें, तो जो मैंने अभी आपको फीचर्स बताए थे ट्रांसपोर्ट लेयर में टीसीपी में, जो उनको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है। तो बहरहाल जो ट्रांसपोर्ट लेयर की सर्विसेज, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल नहीं, लेयर के बारे में बात हो रही है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर का सबसे जो काम क्या है, जैसे कि क्या है कि अगर हम नेटवर्क लेयर की बात करें तो नेटवर्क लेयर में क्या होता था कि डाटा जो है
वो किस पाथ से होता हुआ डेस्टिनेशन तक जाएगा, ठीक है ना। रूट फाइंडिंग का काम आपका नेटवर्क लेयर करता था, लेकिन एक बार जब उस रूट पे डाटा निकल गया तो जैसे ही सेंडर नोड्स इंड से वो डिलीवर होता है, तो वहां से लेके आपका डेस्टिनेशन इंड तक, जैसे कि मैं ऐसे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक सेंडर है और ये आपका एक रिसीवर है, ठीक है ना। पैकेट अगर यहाँ पे है सेंडर इंड पे, ठीक है ना, ये आपका सपोज कीजिए जो लिंक है, तो सॉरी, तो अगर पैकेट यहां से निकला तो अब इसके बीच में, मैं इसकी बात कर रहा इस रूट के थ्रू वो डेस्टिनेशन तक जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो सारा काम कौन देखता है? ट्रांसपोर्ट लेयर। यानी ट्रांसपोर्टिंग का काम जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर का है, कि जिसलिए इसीलिए हम कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर का जो मेन काम क्या है, इन टू इन डिलीवरी करना, यानी एक इंड से दूसरे इंड तक जब तक पैकेट डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाता तब तक ट्रांसपोर्ट लेयर अपना उस पे क्या कहते हैं कि उसको ऑब्जर्व करता है, और अगर कुछ एरर आता है या कुछ भी चीजें होती हैं तो वो रिपोर्ट करता है सेंडर के पास कि आपका पैकेट लॉस हो गया, ठीक है। तो ये आपका ट्रांसपोर्ट लेयर का मेन काम है। तो अब आइए देखते हैं सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग। तो जैसा कि देखिए इसमें लिखा हुआ है कि ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर इंक्लूड सर्विस पॉइंट एड्रेसेस विच इज पोर्ट एड्रेसेस, ठीक है ना। हमें पता है कि हमने ट्रांसपोर्ट लेयर के जब टीसीपी का जब हमने हेडर के बारे में बात किया था तो उसमें पोर्ट नंबर का यूज होता है। मैंने आपको बताया था कि पर्टिकुलर पोर्ट नंबर के थ्रू ही पता चलता है कि किस प्रोटोकॉल के थ्रू डाटा ट्रांसफर हो रहा है। तो और पूछा भी जाता है कि एचटीटीपी का पोर्ट नंबर क्या है, टीसीपी का पोर्ट नंबर क्या है, यूडीपी का पोर्ट नंबर क्या है, तो वो चीजें आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वहां पे ये सारी चीजें देखी जाती है। बहरहाल दिस लेयर गेट द मैसेजेस टू द करेक्ट प्रोसेस ऑन द कंप्यूटर, अनलाइक नेटवर्क लेयर विच गेट ईच पैकेट टू द करेक्ट कंप्यूटर, ठीक है ना। जैसे कि ये टीसीपी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है, जैसे क्या है हमारा नेटवर्क लेयर की बात करें तो वो केवल रूट डिफाइन करता है, लेकिन कहीं ना कहीं टीसीपी आपका रिस्पॉन्सिबल है कि वो सही कंप्यूटर तक पैकेट को डिलीवर करे। तो यही है आपका सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग, ठीक है। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, सॉरी, सेगमेंट एंड रिसेम्बलिंग। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में एक ये भी होता है सेगमेंट एंड रिसेम्बलिंग। सेगमेंट का मतलब क्या है कि डिवाइड करना मैसेज को, और रिसेंबलिंग का मतलब क्या है, फिर से उनको जोड़ना। तो ये भी काम कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट लेयर में ही किया जाता है, क्योंकि हमें पता है कि पैकेट अलग अलग मैसेज अलग अलग चंक्स में अगर ट्रांसफर हो रहे हैं तो कोई ना कोई तो ऐसा है ना कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर ही लास्ट में जब इंड पे पहुंच रहा है तो उसको रिसेंबल कर रहा है यूजिंग सिक्वेंस नंबर, ताकि डेस्टिनेशन को करेक्ट मैसेज मिल सके। तो जैसा कि देखिए इसमें लिखा भी हुआ है कि अ मैसेज इज डिवाइडेड इंटू सेगमेंट्स, ईच सेगमेंट कंटेन सिक्वेंस नंबर विच इनेबल्स दिस लेयर इज रिसेम्बलिंग द मैसेजेस, मैसेजेस इज रिसेम्बल्ड करेक्टली अपॉन अराइवल एट द डेस्टिनेशन एंड रिप्लेस पैकेट विच वे आर लॉस्ट इन ट्रांसमिशन। यानी कि जो पैकेट रिप्लेस लॉस हो गया है उसको रिप्लेस करना। तो मैंने ये भी आपको पीछे मैंने बताया था कि तीन तरीके की चीजें होती हैं। एक में क्या होता है कि एरर कंट्रोल में जब हम लोगों ने देखा था तो वहां पे एक चीज हमने देखी थी कि अगर दो तरीके थे, या तो एक पैकेट लॉस हुआ तो पूरे मैसेज, जैसे मान लीजिए एक मैसेज में 10 पैकेट्स है और कोई एक पैकेट लॉस हो गया तो उसने बाकी 9 को भी डिस्कार्ड कर दिया और यूजर से ये कहा कि दोबारा से आप मैसेज को सेंड कीजिए, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर सपोज कीजिए कि एक पैकेट के अगर 10 में से 9 पहुंचे और एक पैकेट लॉस हुआ, तो केवल वो उसी पर्टिकुलर एक पैकेट को ही दोबारा से रिसेंड करने के लिए वो कहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे टीसीपी का ये भी एक काम है कि सेगमेंटेशन और रिसेंबलिंग को परफॉर्म करना कि कैसे वो होता है, ठीक है। इसके बाद से चलिए आगे देखते हैं अगला क्या फंक्शन है ट्रांसपोर्ट लेयर का। हाँ, कनेक्शन कंट्रोल, ठीक है ना। तो कनेक्शन कंट्रोल इसमें देखिए इट्स इंक्लूड टू टाइप्स। पहला है कनेक्शन लेस ट्रांसपोर्ट लेयर और दूसरा है कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है ना। तो अब चूंकि हमें पता है कि यूडीपी और टीसीपी
दोनों हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, मतलब अगर हम ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल की बात करें तो हमारा टीसीपी भी यूज होता है एज अ ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल और हमारा यूडीपी भी यूज होता है एज अ ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। और हमें पता है, हमने अभी पीछे ऊपर डिस्कस भी किया है कि जो हमारा यूडीपी है वो हमारा अनरिलायबल है या कनेक्शनलेस है, और जो हमारा टीसीपी है वो कनेक्शन ओरिएंटेड है यानी कि रिलायबल है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये वर्ड, जैसे कनेक्शन कंट्रोल की बात अगर हो रही है तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर में कनेक्शन लेस ट्रांसपोर्ट लेयर भी है और कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसपोर्ट लेयर भी है। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोटोकॉल हम यूज कर रहे हैं ताकि हम मतलब कि मैसेजेस को ट्रांसफर कर सके। ठीक है, तो जैसा कि देखिए कनेक्शन लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर में लिखा हुआ है कि ई सेगमेंट इज कंसिडर्ड एज अ इंडिपेंडेंट पैकेट एंड डिलीवर टू द ट्रांसपोर्ट लेयर एट अ डेस्टिनेशन मैकेनिज्म, और बिफोर डिलीवरिंग पैकेट कनेक्शन इज मेड विथ ट्रांसपोर्ट लेयर एट द डेस्टिनेशन मैकेनिज्म। यानी कि अगर कनेक्शन पैकेट अगर ट्रांसफर होने से पहले ही कनेक्शन बन रहा है और अगर पैकेट ट्रांसफर होने के बाद, जैसे कि पैकेट ट्रांसफर हो जा रहा है और कोई कनेक्शन अपने आप पैकेट रूट को फॉलो करते हुए जा रहे हैं तो वहां पे हम उसको कनेक्शन लेस कह रहे हैं। और यहाँ पे जो है कि अगर पैकेट ट्रांसफर होने से पहले ही अगर आपका जो है रूट अगर डिफाइन हो जा रहा है तो उसको हम कनेक्शन ओरिएंटेड कह रहे हैं। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो फ्लो कंट्रोल, तो जैसा कि कहा कि इन दिस लेयर फ्लो कंट्रोल इज परफॉर्म्ड इन टू एंड, यानी यहाँ पे इन टू एंड फ्लो कंट्रोल को मैनेज किया जाता है, क्योंकि हमें पता है कि अगर सेंडर से रिसीवर तक पैकेट अगर ट्रांसफर हो रहा है तो सेंडर से रिसीवर तक अगर पैकेट हमारा ट्रांसफर हो रहा है तो हमें ये पता है कि वो नंबर ऑफ रूट से होके जाएगा, तो कई सारे राउटर से होके निकलेगा। तो अगर कई सारे राउटर से होके निकलेगा तो हो सकता हो किसी राउटर की प्रोसेसिंग स्पीड अच्छी हो, किसी राउटर की प्रोसेसिंग स्पीड उतनी अच्छी ना हो। तो उस केस में जिस राउटर की प्रोसेसिंग स्पीड अच्छी नहीं है, हो सकता है वहाँ पे पैकेट लॉस ज्यादा हो, तो ऐसा ना हो तो इसलिए हम वहाँ पे फ्लो कंट्रोल का यूज करते हैं ताकि जब तक वो परमिशन नहीं देगा कि आप पैकेट आगे सेंड करो तब तक वो अगला जो राउटर है वो पैकेट को आगे ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। और पांचवा जो है हमारा वो है एरर कंट्रोल, और एरर कंट्रोल की अगर हम बात करें तो एरर कंट्रोल इज परफॉर्म्ड इन टू एंड इन दिस लेयर टू इंश्योर दैट द कंप्लीट मैसेज अराइव एट द रिसीविंग ट्रांसपोर्ट लेयर विदाउट एनी एरर, एरर करेक्शन इज डन थ्रू इट्स ट्रांसमिशन। यानी कि एरर कंट्रोल में क्या है कि भाई ये देखना कि भाई पैकेट इन टू एंड अगर पहुंचा है तो वहां पे कोई सारे पैकेट पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं, या उसमें कोई लॉस तो नहीं हुआ कोई पैकेट। तो ये सारी चीजें हम एरर कंट्रोल के अंदर देखते हैं। तो अगर जब भी ट्रांसपोर्ट लेयर की फंक्शनैलिटी या एलिमेंट्स के बारे में पूछा जाए तो आप ये सारी चीजें वहां पे डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक चीज और है, ये डिजाइन इशू ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। तो देखिए डिजाइन इशू ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर, तो जो चीजें हमें ट्रांसपोर्ट लेयर में, जो चीजें ट्रांसपोर्ट लेयर को बेटर बनाती हैं, तो कहीं ना कहीं उसको इम्प्लीमेंट करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स भी आती हैं, यानी वही मेन चैलेंजेस होते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर में उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है ना, तो जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सेप्टिंग डाटा फ्रॉम सेशन लेयर स्प्लिट इनटू सेगमेंट एंड सेंड इनटू द नेटवर्क लेयर, यानी कि अक्सर अगर सेशन लेयर से डाटा आ रहा है तो किस तरीके से उसको सेगमेंट में डिवाइड करके नेटवर्क लेयर तक भेजा जाए। इंश्योर करेक्ट डिलीवरी ऑफ डाटा विथ इफिशियंसी, ये भी इंश्योर करना कि डाटा करेक्ट तरीके से डेस्टिनेशन तक पहुंचे, तो ये भी एक चैलेंज ही है, ये भी एक डिजाइन इशू ही है कि हम उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें। आइसोलेट अपर लेयर फ्रॉम द टेक्नोलॉजी चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, यानी अगर अपर लेयर में कुछ चेंज हो रहा है तो उसको किस तरीके से मैनेज करें ट्रांसपोर्ट लेयर। या फिर एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल की अगर हम बार बार बात कर रहे हैं तो एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल ये भी अपने आप में एक क्या कहते हैं कि चैलेंज ही है कि किस तरीके से हम कहाँ कहाँ पे फ्लो कंट्रोल का यूज करेंगे, कहाँ कहाँ पे कैसे हम इन टू इन डिलीवरी हो रहा है तो कैसे हम एरर कंट्रोल को मैनेज करेंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं जब ट्रांसपोर्ट लेयर को हम डिजाइन करते हैं तो ये इशू भी हमें देखने को मिलता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कि हमने देखा कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट लेयर क्या, टीसीपी यूडीपी के बीच में डिफरेंस क्या है, डिजाइन इशू क्या है ट्रांसपोर्ट लेयर का, और एलिमेंट्स कौन कौन से यूज होते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर में। अब हम कल जब हम अपना नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे तो उसमें हम कनेक्शन मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे कि कनेक्शन मैनेजमेंट क्या होता है और टीसीपी के अंदर कनेक्शन मैनेजमेंट को कैसे मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। हाँ।